ओके सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एंड्रॉइड एक चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर सैमसंग के वन यू आई 3.1.1 के बारे में, जो कि यहाँ पर एंड्रॉइड 11 बेस्ड है। एंड यहाँ पर सैमसंग ने वन यू आई 3.1.1 सबसे पहले जो रिलीज़ करना स्टार्ट किया है वो A50s के लिए है, जो कि सैमसंग की A सीरीज़ में से एक स्मार्टफोन है। हालांकि उस स्मार्टफोन को इतनी ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज वो जो स्मार्टफोन है एंड्रॉइड 11 वन यू आई 3.1 रिलीज़ किया था एंड वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू A50। सैमसंग के A50 को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इवन यहाँ पर सैमसंग के एम सीरीज़ के स्मार्टफोन्स को भी कुछ कुछ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिनको कि मैंने यूज़ किया है पर्सनली। एंड यूज़ करने के बाद में मैं आपको कह सकता हूँ कि जो सबसे बेटर और स्टेबल जो स्मार्टफोन मेरे को लगा है विद लाइक यूज़ करने में, वो सैमसंग का A71 है। इसके अलावा अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन सा स्मार्टफोन लगा है, जो कि मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा एज अ सेकेंडरी स्मार्टफोन यूज़ किया है एंड कुछ टाइम पहले मैंने एज अ प्राइमरी स्मार्टफोन भी यूज़ किया है, वो है सैमसंग का A50। एंड यहाँ पर वन यू आई 3.1.1 में इस चीज़ को कम्प्लीटली अपोजिट तरीके से लेकर के आ रहा है सैमसंग, यानी क्या हमें जो एक कम्प्लीटली स्टेबल फॉर्मवेयर देखने को मिलेगी सैमसंग की तरफ से वन यू आई 3.1.1 के अंदर। आपने देखा होगा कि सैमसंग का वन यू आई 3.1 के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़र इंटरफेस के अंदर फ्रेम ड्रॉप्स एंड इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती हैं, जिसके बाद में जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। बट नाउ सैमसंग ने इस चीज़ को सॉल्व किया है एंड सैमसंग वन यू आई 3.1.1 के अंदर ये जो इम्प्रूवमेंट से लेकर के आ रहा है। एंड यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ रही है कि सैमसंग सबसे पहले अपने A50s के लिए जो अपडेट है वो रोल आउट करेगा। एंड यहाँ पर A50s के लिए जो फॉर्मवेयर है वो भी अवेलेबल हो चुकी है, ऑलमोस्ट रेडी है। एंड सबसे पहले हमें साउथ कोरिया के अंदर जो अपडेट है वो रोल आउट होता हुआ नज़र आएगा, उसके बाद में शायद सैमसंग इंडिया के अंदर आए। इंडिया के अंदर मतलब सबसे पहले इंडिया में हमें अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, सबसे पहले हमें आउट ऑफ इंडिया देखने को मिलेगा, उसके बाद में इंडिया में आएगा। बट स्टिल यहाँ पर अच्छी न्यूज़ ये है कि जो वन यू आई 3.1.1 है वो एटलीस्ट हमें अब वन यू आई मतलब सैमसंग के ए सीरीज़ के स्मार्टफोन्स के अंदर देखने को मिल रहा है। एंड मेरे को नहीं लगता कि सैमसंग अपनी एस सीरीज़ के अंदर जो अपडेट है वो रोल आउट करेगा, मुझे लगता है सैमसंग डायरेक्ट वन यू आई 4 और एंड्रॉयड 12 का जो अपडेट है वो रोल आउट करेगा। यहाँ पर सैमसंग काफ़ी सिलेक्टेड स्मार्टफोन करने वाला है जो अपडेट लिस्ट है। एंड मुझे ऐसा लगता है ये एक तरीके से सही भी है, बिकॉज उन स्मार्टफोन को ज़्यादा ज़रूरत है जिनके अंदर जो है ये फॉर्मवेयर यानी कि 3.1 की फॉर्मवेयर इतनी ज़्यादा स्टेबल और प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रही है। ये मेरे ख्याल से उन स्मार्टफोन्स को मिलना चाहिए जिनके अंदर ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइक हीटिंग इश्यूज़ हैं या बेटर तरीके से ऑप्टिमाइजेशन नहीं है उनके अंदर, ये इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है वन यू आई 3.1.1 की। एंड देखते हैं सैमसंग क्या करता है फ्यूचर के अंदर। बाकी आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो इसके बारे में, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड जब भी वन यू आई 3.1.1 सैमसंग के A50s के अंदर या A50 के अंदर किसी के अंदर भी आता है, आपको इंस्टॉलेशन एंड पूरी डिटेल वीडियो मिल जाएगी। मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन बेल को टर्न ऑन करके रखें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। साइनिंग।